हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर एंड ये अपना बहुत ब्यूटीफुल चैप्टर है चैप्टर नंबर सिक्स एंटरटेनमेंट एंड हिस्ट्री ये इतना ब्यूटीफुल चैप्टर है और इतना इजी चैप्टर है इसमें से बहुत सारी चीज़ें तुम लोगों ने आजू बाजू सराउंडिंग में देखी है जैसे फॉर एग्जाम्पल बहुत सारी चीज़ें फेस्टिवल्स के टाइम पर हमने देखी है हमने बहुत बार वो चीज़ को इग्नोर भी किया रहेगा कि ये फेस्टिवल्स हमने खुद परफॉर्म भी किए रहेंगे ये चीज़ें मतलब एंटरटेनमेंट के लिए हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं जैसे फॉर एग्जांपल एंटरटेनमेंट के लिए हम लोग क्या करते हैं तो कि सबका अलग अलग हॉबी होता है कोई ड्राइंग करता है कोई स्केचिंग करता है कोई बुक रीड करता है कोई क्रिकेट खेलता है कोई फुटबॉल खेलता है कोई बैडमिंटन खेलता है कोई स्केटिंग करता है सबका अलग अलग तरीका होता है कोई मूवीज देखता है एंटरटेनमेंट का सबका तरीका अलग होता है राइट बट वेन वी टॉक अबाउट एंटरटेनमेंट इट इज़ वेरी क्लियर एंटरटेनमेंट का मतलब क्या हुआ तो फर्स्ट क्वेश्चन इज वॉट इज एंटरटेनमेंट जब भी हम लोग बोर हो जाते हैं क्यों बिकॉज रोज का टास्क मोनोटोनस टास्क रहता है मोनोटोनस मतलब क्या कि भाई रोज का सेम 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 देर आर वेरियस वेज जहां पे हम हॉबीज परस्यू करते हैं हम लोग गेम्स खेलते हैं ड्रामाज या मूवीज देखने जाते हैं चल मूवी देखने अरे शाहरुख का नया पिक्चर आया कौन सा अरे जवान देखने जाते हैं बहुत मजा आएगा वॉट इज दैट वॉच ड्रामा वॉच फिल्म राइट रीड एंड अलॉन्ग विद दैट दिस करते हैं किसके लिए टू रिफ्रेश आवर माइंड राइट एंड फील हैप्पी बहुत बार ऐसा होता है जैसे फॉर एग्जाम्पल मम्मी एक घंटा क्रिकेट खेल के आता हूँ एक घंटा बस तो एक घंटा क्रिकेट खेल के आता है बॉडी फिजिकली खत्म हो चुका है तू थक चुका है बट मेंटली वी आर फ्रेश हम पढ़ सकते हैं आराम से बैठे बैठे हम पढ़ रहे हैं क्यों बिकॉज मेंटली वी आर रेडी बट फिजिकली तुम क्रिकेट चलो इसका मतलब क्या हुआ कि वी आर रिफ्रेशिंग आवर सेल्स आवर माइंड इज रिफ्रेश वी फील हैप्पी एंड अकॉर्डिंग टू दैट देर आर वेरियस सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट जो तुम्हारी लाइफ में भी है जैसे फॉर एग्जाम्पल वाई डू वी नीड एंटरटेनमेंट इन आवर लाइफ दैट इज द बिगेस्ट क्वेश्चन बिकॉज हेल्दी एंटरटेनमेंट होना चाहिए एक्सेलेंट क्वालिटी एंटरटेनमेंट होना चाहिए फॉर ग्रोथ ऑफ वन ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी दो जन के बीच में झगड़ा लगा दिया दोनों मारा मारी कर रहे हैं मुझे बहुत बड़ा मजा आ रहा है ऐसा ए हेल्दी एंटरटेनमेंट है क्या नहीं रे वो हेल्दी एंटरटेनमेंट नहीं है एंटरटेनमेंट जब भी हम लोग देखते हैं इट मेक्स आवर माइंड इट माइंड वेरी लाइवली वेरी फ्रेश फिजिकली वी फील मोर एनर्जेटिक आफ्टर गेटिंग एंटरटेनमेंट एंड एफिशंसी एट वर्क ऑल्सो इम्प्रूव बिकॉज ऑफ दैट हॉबीज है गेम्स है ये क्या करते हैं ये पर्सनैलिटी डेवलप करते हैं अपना अकॉर्डिंग टू दैट सबसे पहला क्वेश्चन आता है सर एंटरटेनमेंट जरूरी है क्या इज इट अ मॉडर्न फेनोमिन यस जैसे एंशेंट इंडिया में से भी वो हम लोग देख सकते हैं बहुत सारे तरीके थे जैसे फेस्टिवल्स होते थे स्पोर्ट्स होते थे डांस होता था म्यूजिक होता था ये सब क्या करते थे ये सब सोर्सेस थे एंटरटेनमेंट के एंड मॉडर्न पीरियड में देर आर वेरियड फॉर्म्स ऑफ एंटरटेनमेंट जैसे छोटे छोटे बच्चे लोग को टैब दे दिया मोबाइल फोन्स दे दिया वो मस्ता फोन पे इट इज अ मोड ऑफ एंटरटेनमेंट ऑब्वियसली फॉर देम वेदर मॉडर्न और एंशंट एंटरटेनमेंट इट कैन बी क्लासिफाइड ऑलवेज इन टू टू कैटेगरीज अभी दो कैटेगरी कैसे होता है एक होता है एक्टिव दूसरा होता है पैसिव एक्टिव मतलब क्या कि मैं खुद परफॉर्म कर रहा हूं जैसे मेंटल एंड फिजिकल पार्टिसिपेशन मेरा खुद का है जैसे पार्टिसिपेटिंग इन हैंडीक्राफ्ट्स मैं पॉट खुद बना रहा हूं हूँ सर्कल सर्कल घूम रहा है मस्त पॉट बनाया ये एक्टिव पार्टिसिपेशन है दूसरा पार्टिसिपेटिंग इन एनी स्पोर्ट जैसे मैं खुद फुटबॉल खेल रहा हूं व्हाट इज दैट एक्टिव पार्टिसिपेशन But passive क्या होता है विच इज नॉट एक्चुअल मतलब क्या कि वो खुद स्पोर्ट्स देखने गया है तो स्पोर्ट्स कोई और खेल रहा है उसके लिए वो active entertainment है. लिए वो entertainment है, है. हमारे लिए सुनना, हा? गाना एक्टिव एंटरटेनमेंट बट गाना सुनना पैसिव वॉचिंग मूवी मूवी देखने गए ओहो मस्त एकदम मस्त मजा आ गया मूवी देख के वाह एकदम

क्या होता है दो मिनट बाद एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट भजन कीर्तन ललित भारूड तमाशा एंड पोवाडा अभी ये सब फोक थिएटर में आता है सो सबसे पहले चालू करते हैं विद द फर्स्ट पार्ट कटपुतली अभी कटपुतली ये नाम आया पपेट्री जिसको बोलते हैं पपेट्री शोज कटपुतली का मतलब वो दो वर्ड से बनाया है एक होता है काट काट मतलब वुडन स्टिक और वुड एंड पुतली मतलब पपेट्स वुड से बनाया हुआ कॉल्ड कटपुतली। बट ये शोज अलग अलग प्रकार के होते थे जैसे खाली वुड से नहीं होते थे शोज़ so कैसे चालू कहां चालू हुए? हुए? कहाप्पन सिविलाइजेशन के टाइम पे भी हम लोगों को पपेट्स मिले हैं इजिप्शियन सिविलाइजेशन में मिले हैं ग्रीस में भी मिले हैं अभी नोइंगली बोलो या अनोइंगली ये हमने पॉसिबली बताया है कि वो पपेट्स है Because it looks like puppets, okay? वो लोग कुछ और बोलते रहेंगे। में ये बनाने के लिए बहुत सारे अलग-अलग तरीके किए जैसे लेदर से बनाया हॉर्न से बनाया आइवरी से, से, से बनाया ये सब तरीके से यूज तरीके यूज किए गए थे फॉर मेकिंग पपेट्स इंडिया में दो जगह की अलग अलग स्टाइल है अभी ध्यान से सुनो ध्यान से सुनो इधर इधर ध्यान से सुनो सबसे पहला राजस्थान में हम लोगों को एक पपेट स्टाइल मिलेगा एंड सेकेंड मिलेगा इन साधर्न रीजन ओके कठपुतली शो अगर आज देखना है या आज भी परफॉर्म होता है तो अलग अलग स्कूल्स में शोज में बहुत सारे ऐसे मेले लगते हैं उसमें होता है बट अलग अलग टाइप के कठपुतली शोज आज भी पाए जाते हैं इन डिफरेंट स्टेट जैसे उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र राजस्थान आसाम वेस्ट बंगाल आंध्र प्रदेश तेलंगाना कर्नाटका एंड केरला देर आर डिफरेंट टाइप्स ओके अभी पॉपेट्स बनाए जाते हैं जैसे शेडो पॉपेट्स होते हैं कि भाई उसमें रियल कुछ नहीं मतलब वो इंसान कोई नहीं होता है खाली पॉपेट्स वो वुडन डॉल्स होते हैं उसमें शेडो इफेक्ट दिया जाता है वुडन पॉपेट्स होते हैं दूसरे तीसरे हैंड पॉपेट्स होते हैं वो पता है एक वो एक आता था तुम तुम्हारे क्या बात कर रहे हो वो वाले सो हैंड पपेट्स स्ट्रिंग पपेट्स स्टेज उनका बहुत छोटा होता है जैसे एक छोटा सा स्टेज होएगा उसके अंदर लाइटिंग्स लगाई जाएगी डेकोरेट किया जाएगा लाइट एंड साउंड इफेक्ट्स दिया जाएगा एंड एकदम इंजीनियस मैनर मतलब एकदम स्मार्ट मैनर में बनाया है वो स्ट्रिंग से एक आदमी वो पपेट्स को कंट्रोल करता है एक नरेटर होगा सूत्रधार जो वहां से पीछे से बैकग्राउंड से बोलते रहेगा सो so, एक नरेटर सूत्रधार उसका सबसे इंपॉर्टेंट रोल रहेगा बिकॉज अगर उसने कुछ फंबल कर दिया तो फिर भाई खराब हो सकता है शो तो क्रूशियल रोल उसका है भाई फॉर सक्सेसिंग दिस पर्टिकुलर कठपुतली शोस। सेकेंड इंपॉर्टेंट दशावतार थिएटर अभी जैसे दशावतार बोलते हैं दस अवतार जैसे नाम दिया है दस अवतार दस मतलब द स्टोरीज बेस्ड ऑन टेन अवतार देश किसके टेन इनकारनेशन लॉर्ड विष्णु के सो so, लॉर्ड विष्णु के टेन इनकारनेशन कौन से कौन से थे मत्स्य अवतार कूर्म अवतार वरह अवतार नरसिंह अवतार वामन अवतार परशुराम अवतार राम अवतार कृष्ण अवतार बुद्ध अवतार ये हुए नाइन टेंथ अवतार आना बाकी है विच इज कॉल्ड एस कल अभी ऐसा बोला जाता है कल अवतार जब भी आएगा ये अवतार आएगा फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ अर्थ एंड ऐसा बोला जाता है कि ये अर्थ के डिस्ट्रक्शन को रोकने के लिए सात चिरंजीवी है चिरंजीवी मतलब देर आर सेवन पीपल और गॉड्स वो मर अमर बोलते हैं उनको तो वो आज भी है वन ऑफ दनुमान जी यस नेक्स्ट कहाँ पे ये दशावतार थिएटर होता है तो इट इज डन इन महाराष्ट्र कोकंड रीजन में गोवा में कभी होता है हार्वेस्टिंग सीजन होता है उसके तुरंत बाद चालू होता है विथ सूत्रधार दैट इज नरेटर हु इन्वोक्स गणेश दैट इज गणपति बप्पा द डिस्ट्रॉयर ऑफ ऑब्स्टेकल्स सो वो गणपति बापा की स्तुति या मंत्र बोलते हैं एंड uh, याद किया जाता है लॉर्ड गणेश को एंड फिर वो शुरू किया जाता है वो पूरा का पूरा जो दशावतार शो होता है वो द मेथड ऑफ एक्टिंग मेकअप कॉस्ट्यूम्स ये सेट है ट्रेडिशन के हिसाब से इसमें कोई चेंजेस नहीं होता है Unless नहीं, जैसे movies मतलब अपने हिसाब से स्पॉन्टेनियस डायलॉग्स बनाए गए हैं अपने हिसाब से जो एक्टर्स होते हैं वो बनाते हैं द कैरेक्टर्स रिप्रेजेंटिंग गॉड्स वेयर वुडन मास्क एट द एंड ब्रेकिंग दही हंडी ऑफ uh, कर्ड्स जैसे फॉर एग्जाम्पल जन्माष्टमी में हम लोग दही हंडी फोड़ते हैं गोविंदा गो पाड़ा तो ब्रेकिंग दही हंडी आरती सिंगिंग प्रेजेस ऑफ द गॉड्स एंड फाइनली एटीन सेंचुरी में श्यामजी नाइक काड़े ही स्टार्टेड फर्ड फर्ड का मतलब होता है ट्रूप अ ग्रुप ऑफ पीपल कमिंग टूगेदर एंड वो हर एक अलग अलग, अलग जगह पर ये क्या करते थे ये दशावतार प्लेस करते थे तो श्यामजी नाइक काले इंपॉर्टेंट नाम है द ब्लैंक्स के लिए आ सकता है दशावतार आर्टिस्ट परफॉर्म्स ऑल ओवर महाराष्ट्र विष्णुदास भावे द पायनियर दैट इज द लीडर ऑफ द मराठी थिएटर उन्होंने क्या किया उन्होंने माइथोलॉजिकल प्लेस चालू किए मॉडिफाइंग द दशावतार स्टाइल मराठी थिएटर का ओरिजिन चालू हुआ सिंस दशावतार ट्रेडिशन क्लियर सो दीज आर सर्टन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच विल बी कमिंग फॉर योर एग्जाम नेक्स्ट यस दिस वन Incarnation of Lord Vishnu. Next is bhajan, singing devotional songs. Now, singing songs in the praise of God, chanting God's name. This is a part of bhajan. There are various instruments which are used. Just say, for example, symbols. Ya tal. which we call manjira bolte. Ting, 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 ting. Taals. Mridangam. मृदंगम एक ढोल का टाइप होता है बट वो ढोलक नहीं होता है एक साइड पे वो एक छोटा साइड होता है एक साइड बड़ा साइड होता है दैट इज मृदंगम पखाव अगेन अ टाइप ऑफ ढोल भजन का अलग अलग दो टाइप होता है एक होता है चाकरी भजन चाकरी भजन एंड दूसरा सोंगी भजन अभी चाकरी भजन में द डिवोटी इज मूव इन अ सर्क्यूलर फैशन चक्र चाक्री समझा सिंगिंग विथाउट ब्रेक एंड सिंगर्स एंड सोंगी भजन में सिंगर एंडलॉग डिवोशनल सॉन्ग्स बनाए जाते हैं अलग अलग टाइप के एंडली देर इज अम ऑफ भजन विच इज यूज दिस भजन इज कॉल्ड एज खंजरी भजन कौन सा भजन खंजरी भजन इट वॉज स्टार्टेड बाई संत टुकड़ो जी महाराज इट इज एन इंपॉर्टेंट आंसर एग्जाम में फिलिंद्स आ सकता है नेक्स्ट अभी कौन से भजन कहाँ पे कंपोज किए तो नॉर्थ इंडिया में अलग अलग किसने कंपोज किए थे तो नॉर्थ इंडिया में संत तुलसीदास संत मीराबाई संत कबीरदास एंड पोएट सूरदास कर्नाटक में पुरंदर दास कनकदास बोधेन्द्र स्वामी, त्यागराज एंड विजय दास गुजरात में संत नरसिंह मेहता मोमेंटम ऑफ भक्ति मूवमेंट व स्टार्टेड एंड महाराष्ट्र में संत नामदेव भजन कीर्तन वारकरी सेक्शन नरसिंह मेहता गुजरात में थे लाइक जो महात्मा गांधी गाते थे वो भजन वैष्णव तो वो तारक मेहता में भी आता है तेने कही जे थैंक यू अच्छा है मेरा आवाज ठीक है मूविंग फॉरवर्ड द वारकरी सेक्शन डेवलप ट्रेडिशन भजन एंड कीर्तन So, कीर्तन चालू करते कीर्तन क्या होता है तो ओरिजिनली द फाउंडर ऑफ कीर्तन वॉज नारद मुनि नारायण नारायण पढ़ा रहेगा कभी देखा रहेगा सीरियल्स संत नामदेव वॉज द फर्स्ट कीर्तनकर ऑफ महाराष्ट्र कीर्तनकर या दूसरा नाम जो कीर्तन परफॉर्म करता है उनका नाम होता है हरिदास एंड दूसरा नाम है जिसका नाम है उनको बोला जाता है कथे बुआ द ड्रेस इज ट्रेडिशनल एंड वो ट्रेडिशनली उनको ड्रेस करना पड़ता है ट्रेंड इन ओरेट्री सिंगिंग डांसिंग एंड ह्यूमर एंड ओरेट्री मतलब जो अच्छे स्पीचेस देते हैं उनको अ ग्रेट ओरेटर बोलते हैं जैसे एडोल्फ हिटलर बैरक ओबामा नरेंद्र मोदी जी ये ग्रेट स्पीचेस देते हैं तो दे आर कॉल्ड एज ग्रेट ओरेटर्स तो ओरेट्री में जितने भी कीर्तन करने वाले हैं उनका स्पीच बहुत फाइन रहता है सिंगिंग डांस एंड ह्यूमर एंड वेल इन्फॉर्म्ड रहते हैं कीर्तन परफॉर्म्ड इन डिफरेंट प्लेसेस जैसे फॉर एग्जांपल कीर्तन कहाँ परफॉर्म किया जाता है तो टेम्पल के अंदर भी होता है एंड टेम्पल के प्रीसिंक्ट मतलब आजू बाजू होता है नेक्स्ट देर आर वेरियस ट्रेडिशन जैसे एक होता है नारदीय या हरिदासी कीर्तन जो सोलो परफॉर्म किया जाता है एंड दूसरा होता है वारकरी सेक्शन जो कलेक्टिव पार्टिसिपेशन में होता है नाउ नारदीय कीर्तन जब भी चालू होता है उसका स्टार्टिंग जो होता है उसको बोला जाता है पूर्व रंग क्या बोला जाता है पूर्व रंग अभी पूर्व रंग में क्या होता है सबसे पहले स्टार्ट किधर से होता है वक्रतुंड महाका गणपति को याद करते हैं तो नमन प्रेसिंग गॉड अभंग दैट इज सिंगिंग द कॉम्पोजिशन दैट लीड्स टू द मेन थीम जो मेन थीम पे लेके जाता है उसका इंट्रोडक्शन जिसको हम लोग संदर्भ सहित स्पष्टीकरण बोलते हैं राइट right? उसके बाद निरूपण जो एक्चुअली मेन थीम है उसको एक्सप्लेनेशन किया जाता है वो मेन थीम के बाद चालू होता है उत्तर रंग द सेकेंड पार्ट अभी सेकेंड पार्ट में क्या होता है द नरेशन ऑफ द एंटायर स्टोरी टू इलस्ट्रेट द मेन थीम इज गिवन हियर अभी वारकर ये नारदीय या हरिदासी कीर्तन होता है वारकरी में तो प्लेयर्स ऑफ सिंबल्स वो मंजीरा बजाने वाले एंड बहुत सारे लोग रहते हैं दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अलोंग विद द कीर्तन कार्स एंड वो वारकरी सेक्शन के तुम लोगों ने अगर याद रहेगा वो सब सेम uh, परफॉर्म करते हैं सेम ड्रेस करते हैं विट्ठ अला विठा अला विठ सेक्शन सो इट लुक्स वेरी फैसिनेटिंग एंड यू गो इन अ ट्रांस वाइल हियरिंग दैट इट्स वेरी मतलब बहुत मजा आता है वो सुन के एक अलग ही हम दुनिया में चले जाते हैं हम राष्ट्रीय कीर्तन इंडिपेंडेंस मूवमेंट चालू किया था दत्तोपंत पटवर्धन ऑफ वही इन महाराष्ट्र क्रिएट्स अवेयरनेस बाई नरेटिंग द लाइफ स्टोरीज ऑफ डिफरेंट ग्रेट लीडर्स अभी नेशनल मूवमेंट या इंडिपेंडेंस मूवमेंट का बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली नेशनल लीडर्स के बारे में बात कर रहे हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल महात्मा गांधी या पंडित जवाहरलाल नेहरू या फिर भगत सिंह जी या फिर बाल गंगाधर टिड़क जी तो वी सी दैट इसके अलावा नेशनल इंडिपेंडेंस मूवमेंट के बाद मतलब इंडिया के बारे में बताना है तो ग्रेट साइंटिस्ट जैसे फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर ए अब्दुल कलाम सोशल रिफॉर्मर जैसे महात्मा फुले कीर्तन फॉर क्रिएटिंग सोशल अवेयरनेस वो स्टार्टेड बाय सत्यशोधक समाज एंड फाउंडेड बाय महात्मा ज्योतिराव फुले संत गाड़गे महाराज हाईलाइट द इश्यू रिगार्डिंग द अबोल्यूशन ऑफ कास्ट सिस्टम एंड क्लैनलीनेस मतलब कास्ट सिस्टम को अबोलिश करो एंड करो एंड क्लैनलीनेस लाओ फिल्दीनेस नहीं चाहिए क्लैनलीनेस uh, रखो साफ सफाई रखो डी एडिक्शन किसी भी प्रकार का व्यसन मत रखो कुछ भी आदत है मत रखो दीज आर इंपोर्टेंट फिलिंग ब्लैंक्स एंड दीज आर इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट जो आ सकते हैं इसमें पार्ट में नेक्स्ट इज ललित अभी ललित बहुत ब्यूटिफुल होता है क्या होता है लेटेस्ट सी अभी ललित इज बेसिकली ट्रेडिशन कॉल्ड एज नारदीय कीर्तन कौन सा कीर्तन नारदीय कीर्तन पॉपुलर इन गोवा एंड महाराष्ट्र कोकंड रीजन में ओकेजन रिलीजियस कीर्तन किया जाता है एंड गांव में स्पेशली ये बहुत ज्यादा होता है अभी क्या होता है एक एक्सप्लेन करता हूँ ये चालू होता है जब जो प्रिसाइडिंग एक कुर्सी रखी जाती है या मूर्ति रखी जाती है या फिर एक छोटा सा फोटो भी लगाया जाता है गॉड का एंड जो भी फेस्टिवल रहेगा वो टाइम पे वो जो गॉडेस रहेगी उनको इन्वोक करने के लिए उनको डिज़ायर मतलब जो हमारा डिजायर है हमें जो चाहिए जैसे गांव में बारिश नहीं हुई तो हम क्या करते हैं हम ललित परफॉर्म कर रहे देवी आपके लिए गॉडेस के लिए तो वो लोग क्या करते हैं वो इन्वोक करते हैं गॉडेस को याद करते हैं एंड डिज़ायर फुलफिल करते हैं अपना जो डिमांड्स है वो फुलफिल करते हैं एंड उसमें क्या बोलते हैं जैसे इसका इंग्लिश कन्वर्जन ये है लेट एवरी बी ग्रांटेड देयर डिज़ायर लेट एंटायर विलेज लिव इन हैप्पीनेस टिल वी परफॉर्म द नेक्स्ट ललित मतलब जब तक नेक्स्ट ललित नहीं होता है तभी तक पूरा विलेज में हैप्पीनेस रहेगा शांति रहेगा जो इंटरनल क्लैशेस है झगड़े हो रहे हैं वो खत्म हो जाए एंड किसी का भी माइंड प्रेजुडाइस मतलब हेटरेड से बुरा ना हो एक दूसरे के बीच में झगड़ा ना हो ट ऑल द ट्रांजेक्शन हैपन विथ क्लियर माइंड मतलब दिमाग क्लियर रखे सबका इजिली काम हो जाए बिजनेस चालू रहे एंड लेट द कम्युनिटीज बिहेवियर बी पायस पायस मतलब एकदम पीसफुल शांत स्टोरीज ऑफ कृष्ण राम एंड ग्रेट डिवोटीज प्रेजेंटेड ड्यूरिंग दिस परफॉर्मेंस परफॉर्मड इन अ थियेटरकल स्टाइल हां पे भी जैसे हम लोग मराठी थिएटर में बैकड्रॉप होता है ना वैसे बैकड्रॉप बनाया जाता है एक बैकग्राउंड बनाया जाता फ्यू टेक्स्ट आर अवेलेबल इन हिंदी नेक्स्ट इज भारूड Now, भारूड क्या होता है इट इज अ मेटाफोरिकल सॉन्ग दैट हैज स्पिरिचुअल एंड एथिकल लेसन जैसे मेटाफोर का मतलब क्या इंग्लिश में पढ़ा रहेगा मेटाफोर मतलब क्या कि हम डायरेक्टली कुछ वो चीज एक्सप्लेन नहीं कर रहे इनडायरेक्टली एक्सप्लेन कर रहे हैं राइट सो परफॉर्मड ऑन द एज अ रोड शो कॉम्पोजिशंस आर डन बाई डिफरेंट संत जैसे संत एक नाथ फॉर एडुकेटिंग पीपल ऑन एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ आर वेरी पॉपुलर इन महाराष्ट्र बिकॉज ऑफ वाइड रेंजिंग सब्जेक्ट्स मतलब लोगों को एडुकेट करने के लिए कि भाई हमारे साथ जो हो रहा है वो सही हो रहा है गलत हो रहा है गवर्नमेंट जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं गलत कर रहे वो अलग अलग सब्जेक्ट्स वेदर इट बी सोसाइटी के बारे में बोलो पॉलिटिक्स के बारे में बोलो इक्वालिटी के बारे में बोलो तो अलग अलग सब्जेक्ट्स के बारे में एक्सप्लेन किया जाता है ड्रामेटिक क्वालिटी होता है इसमें इजी रिथम होता है जैसे हम लोग कलर पोएम का कॉम्बिनेशन पढ़ते ना रिदमिक स्कीम जिसको बोलते हैं ए ए बी बी तो वो क्या है रिदमिक स्कीम ह्यूमर होता है हास्य नेक्स्ट इज तमाशा अभी तमाशा वो अपना तेरी नजरो वो नहीं वो दीपिका वाला नहीं तमाशा मतलब इट इज अ पर्शियन वर्ड उसका मतलब होता है प्लीजिंग साइट मतलब एटीन सेंचुरी में अलग अलग जगह पर तमाशा किया जाता है देर आर इंडिपेंडेंट फॉर्म्स ऑफ तमाशा विच अब्सॉर्ब द ट्रेट्स ऑफ फोक थिएटर एंड क्लासिकल आर्ट्स जैसे तमाशा अलग अलग टाइप का ट्रेडिशन होता है जैसे एक होता है संगीत बारी तमाशा एंड दूसरा होता है धोलकी चा फड अभी संगीत बारी एंड धोलकी चा फड क्या होता है संगीत बारी मतलब इसमें डांस एंड म्यूजिक होता है विच आर मोर इम्पोर्टेंट दैन ड्रामा तमाशा विथ ड्रामा जिसको हम लोग वग बोलते हैं दीज आर द मेन पार्ट्स ऑफ विचवर वर डेवलप्ड लेटर बट शो लॉर्ड गणेशा को याद करके गण को याद करके एंड देन प्रेजेंटेशन ऑफ गौड़न इज डन वर्ग इज बेसिकली लाइवली एंड एंटरटेनमेंट बिकॉज ऑफ इट्स स्पॉन्टेनियस ह्यूमर बहुत बार ना ऑन द स्पॉट ह्यूमर क्रिएट करते हैं एंड पॉप्युलर प्लेस बनाए गए हैं जैसे विच्छा पूरी करा गाढ़ा से लग्न ये एक ऐसे पॉपुलर प्लेज है जो संगीत बारी में प्ले किए जाते हैं विच आर सटायरिकल जो गवर्नमेंट को टोंटिंग भाषा में भी एक्सप्लेन किया जाता है कि गवर्नमेंट के लिए भी है और लोगों को एडुकेट करने के लिए भी होता है मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ तमाशा नेक्स्ट इज पोवाड़ा अंग्रेजों को मार भगाने अब है सबने ठानी थी चमक उठी सन सत्तावन की वह तलवार पुरानी थी ले हर बोलो के मुंह सुनी हमने कहानी थी खूब लड़ी वो मर्दानी वो झांसी वाली रानी थी पोवाड़ा पोवाड़ा बेसिकली था क्या इट नरेट द ग्रेट डीड्स हेरोइक मेन एंड वेमेन का फोर्सफुल एंड इंस्पायरिंग होता है ड्रामेटिक नरेशन जैसे ऑल्टरनेटिंगली रिसाइटिंग पोएट्री एंड प्रोजाइक एक्सट्रैक्ट टुगेदर मतलब पोएट्री एंड प्रोज पोम्स एंड पैराग्राफ दोनों का एक्सप्लेनेशन साथ में करते हैं एंड ऐसे बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स तुम लोगों को देख सकते जैसे फॉर एग्जाम्पल कंपोजर इनके थे एक थे अज्ञान दास जो एक टाइम पे कंटेम्प्री थे कौनसे टाइम पे थे छत्रपति शिवाजी महाराज के टाइम पे तो उन्होंने एक्सप्लेन किया था अ ग्रेट पोवाडा अबाउट द किलिंग ऑफ अफजल खान तुलसीदास जी ने बैटल ऑफ सिंहगढ़ एक्सप्लेन किया था देर आर ऑल्सो स्टोरीज ऑफ उमाजी नाइक चाफेकर ब्रदर्स एंड महात्मा गांधी जैसे फॉर एग्जाम्पल वी हैव सीन स्टोरीज ऑफ डिफरेंट लीडर्स जैसे उमा जी नाइक फाइटिंग अगेंस्ट द रिबेलियस ट्राइब्स एक ट्राइब के लीडर थे एंड ब्रिटिशर्स का जो रॉन्ग डूइंग्स था उनके अगेंस्ट फाइट किया था चाफेकर ब्रदर्स वो टाइम पे थे जब एक ऑफिसर था उसका नाम था ऑफिसर रैन उसने uh, uh, क्या किया था पुणे में प्लेग आया था प्लेग करके एक, एक एपिडेमिक आया था

ज वर यूज एज अ मीडियम ऑफ क्रिएटिंग पब्लिक अवेरनेस एथ स्टैंडर्ड लास्ट चैप्टर संयुक्त महाराष्ट्र मूवमेंट के बारे में हमने पढ़ा था दीज आर इंपॉर्टेंट इन द ब्लैंक्स जो एग्जाम में आएगा दीज आर कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल्स एंड इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट चार्टस्ट इज मराठी थिएटर द मराठी थिएटर इज अ प्लेस अ थियेटर इज अ प्लेस विच इज डिवोटेड टू परफॉर्मेंसेस वी सी देर आर सोलो परफॉर्मेंसेस एंड देर आर सर्टन कलेक्टिव परफॉर्मेंसेस तो क्या होता है नेक्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू लर्न इज मराठी थिएटर अभी मराठी थिएटर जब भी बात करते हैं थिएटर इज बेसिकली अ प्लेस विच इज डिवोटेड टू परफॉर्मेंसेस जैसे सोलो परफॉर्मेंस ले लो या तो फिर कलेक्टिव परफॉर्मेंस देर आर सेवरल फैक्टर्स विच आर देर नाउ जब भी एक वीडियो या एक डॉक्यूमेंट्री या तो एक मूवी बनाई जाती है सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर है स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट के बाद आता है डायरेक्टर डायरेक्टर के बाद आर्टिस्ट मेकअप अलग अलग टाइप के मेकअप्स होते हैं कॉस्ट्यूम्स स्टेज जो बनाया जाता है बैकड्रॉप बनाया जाता है जिसको आर्ट डिजाइन बोलते हैं जैसे बस स्टॉप का सीन है तो पीछे बस स्टॉप दिखा दिया एक पेड़ दिखा दिया एक बस स्टॉप जिसके ऊपर वो नंबर लिख रहे रहेंगे कि कौन सी बसेस आती है एक्सेट्रा या फिर लाइटिंग अरेंजमेंट्स अलग अलग टाइप की लाइटिंग अरेंजमेंट्स होती है एंड ऑडियंस एंड क्रिटिक्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स क्यों है बिकॉज मराठी थिएटर या कोई भी थिएटर ले लो उसमें ये चीज बेसिक होती है द एसेंशियल फॉर सक्सेसफुल परफॉर्मेंस फॉर एनी ड्रामा इज सबसे पहले डांस एंड म्यूजिक कैन ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ अ ड्रामा कोई भी ड्रामा में हम लोग देख सकते हैं डांस एंड म्यूजिक इंक्लूड किया जाता है राइट right? उसके साथ साथ यूजुअली इट इज इनैक्टेड हेल्प ऑफ डायलॉग्स अलग अलग डायलॉग्स होंगे कुछ कुछ स्पॉन्टेनियस ऑन द स्पॉट बनाए जाते हैं एंड माइमिंग कैन ऑल्सो भी यूज एज मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन जैसे माइमिंग हम लोग देखे चार्ली चैप्लिन करते थे या मिस्टर बीन करते थे दैट इज माइमिंग राइट सो इट एज ऑल्सो यूज एज मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन Rulers of Bosle family of Tanjore, get, uh, they were great patrons of drama and they wrote a few plays and also translated certain Sanskrit plays Like in 19th century, mein, the current great development of the Marathi theatre started Like uh, a great play was was presented by Vishnudas Bhave, the father of Marathi theatre whose name play was nam Sita Soyamvar ये एक फर्स्ट प्ले था जो प्रेजेंट किया था विष्णुदास भावे ने लेटर वेरियस प्लेज ऑफ डिफरेंट स्टेज ऑफ इन महाराष्ट्र वर स्टार्टेड। जैसे uh, सबसे तो ये इंपॉर्टेंट ब्लैंक्स uh, से ये याद रखना विष्णुदास भावे इज कॉल्ड एज फादर ऑफ मराठी थिएटर। क्लियर इंपॉर्टेंट फिलिंद बता है नॉन टेक्सचुअल तो लेटर वेरियस प्लेस एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेज प्लेस व स्टार्टेड इन महाराष्ट्र एंड अलग अलग थीम्स आए जैसे हिस्टोरिकल माइथोलॉजिकल एंड लाइट फार्सिकल फार्सिकल का मतलब होता है जब भी हम लोग किसी को टोंटिंग या किसी को गवर्नमेंट को हम आ, कुछ टोंट कर रहे हैं या ब्रिटिश गवर्नमेंट को सुना रहे हैं इट इज डेल्ट विद सोशल इश्यूज इन अयूमरस वे एंड हास्य के थ्रू मतलब ह्यूमर के थ्रू कॉमेडी थोड़ा एंड टोंटिंग वे में

प्लेज अर्लियर वर इन द ओपर ग्राउंड ओपन ग्राउंड बट बाद में क्या हुआ तो ब्रिटिशर्स ने थिएटर बनाया अलग अलग प्ले हाउस बनाए जैसे रिपिन थिएटर है विक्टोरिया थियेटर है मुंबई में बिकेम वेरी फेमस एंड प्लेज टुक टू क्लोज थिएटर्स इन द लेटर हाफ ऑफ नाइनटीन सेंचुरी फिफ्टी के बाद टिल नाइनटीन हंड्रेड्स बालकृष्ण बुआ इचल करंजीकर इंट्रोड्यूस ख्याल म्यूजिक इन महाराष्ट्र एंड जब ये ख्याल म्यूजिक आया इट बिकेम माइलस्टोन बिकॉज यहाँ से चेंज आना चालू हुआ लोग थिएटर में जाके म्यूजिक भी देख सकते हैं कोई गा रहा है और हम सुन रहे हैं लाइव ये भी हो सकता है ये लोगों को रियलाइज होना चालू हुआ एंड बहुत सारे आर्टिस्ट यहाँ पे आए जैसे उस्ताद अलादिया खान उस्ताद अब्दुल करीम खान उस्ताद रहीमत खान कॉन्ट्रीब्यूटेड अ ग्रेट इन अ ग्रेट नंबर एट दैट टाइम people who were devoted or they were devoted to classical music उन्होंने ना एक क्लासिकल म्यूजिक का ऑब्वियसली टेस्ट डेवलप कर लिया जो ओरिजिनली चालू हुआ इन मराठी म्यूजिकल थिएटर एंड म्यूजिकल प्लेस चालू हुए म्यूजिकल प्लेस मतलब पूरे प्ले में खाली पूरा म्यूजिक के बेसिस पे पूरा का पूरा प्ले एक्सप्लेन किया जाता था सॉन्ग के फॉर्म में जैसे एक मंडली था जिसका नाम था किरलोस्कर मंडली बिकेम वेरी पॉपुलर एट दैट टाइम तो बहुत सारे ऐसे राइटर्स थे जिन्होंने प्लेज लिखे एंड उनका कुछ ना कुछ स्पेशलिटी था जैसे फॉर एग्जाम्पल अन्ना साहेब किर्लोस्कर रोट अ प्ले कॉल्ड ए संगीत शाकुंतल अर्नड ग्रेट पॉपुलरिटी एट दैट टाइम गोविंद भल्लाल देवल भल्लाल देव नहीं है वो गोविंद भल्लाल देवल रोट अ प्ले कॉल्ड डे शारदा कमेंट्स ऑन द इवल कस्टम ऑफ मैरिंग यंग गर्ल्स टू एजेड मैन इन अ ह्यूमरस वे श्रीपद कृष्ण कोल्हाटकर मुक प्ले लिखा था ऑब्वियसली इट वाज ऑन द बुक मुख नायक जो डॉक्टर ने लिखा था राम गणेश गडकरी बुक लिखा था या प्ले लिखा था एक प्याला जी प्रभाकर कर, रोट प्ले कॉल्ड कीचक वद। कीचक वध वध क्या है दो मिनट में एक्सप्लेन करता हूँ बेसिकली महाभारत को ब्रिटिश एरा के साथ उन्होंने कंपेयर किया है एंड इट इसके लिए हम लोग बोलते हैं ना इनडायरेक्ट कंपेरिजन मेटाफर तो मेटाफोरिकल ड्रामा था टू नाउंड द ब्रिटिश गव्हर्मेंट नॉट टू एक्सेप्ट द ब्रिटिश गव्हर्नमेंट अँड दुसरा प्ले लिखा था, जिसका नाम था संगीत मनपमम. नेक्स्ट, आचार्य अत्रे साष्टांग नमस्कार प्ले लिखा था उदयाचा संसार लिखा था अँड घराबाहेर वसंत कानेटकर हॅड रिटर्न रायगडाला जेवा जाग येते अँड इथे ओशाळाला मृत्यू विजय तेंडुलकरने लिखा था घाशीराम कोटवाल विश्राम बेडेकर ने लिखा था टिड़क आगरकर एंड विष्णु वामन कर, जिनका बोला जाता है सम्राट वन ऑफ द ग्रेटेस्ट थिएटर एक्ट बाय इन मराठी गुजराती एंड इंग्लिश बिकॉज ओरिजिनली इट वाज ऑन द शेक्सपियर्स ड्रामा जिसका नाम था किंग लियर तो वेल नोन स्टाइल्ड ऑफ शेक्सपियर्स किंग लियर वो वैसा नट सम्राट बनाया था अगर हम लोग मराठी में देखें तो Uh, विक्रांत गो विक्रांत गोखले सर विक्रम गोखले सर ने uh, वो परफॉर्म किया है इन नट सम्राट एंड नाना पाटेकर जी ने परफॉर्म uh, किया है बहुत ब्यूटीफुल मूवी है सिमिलरली गुजराती में देर इज अ ग्रेट एक्टर कॉल्ड एज सिद्धार्थ रांधेरिया उन्होंने परफॉर्म किया है एंड इट वॉज वेरी वेरी फैसिनेटिंग लाइक लिटरली इट इज वेरी इमोशनल ऑब्वियसली ह्यूमरस नहीं है बट इट इज वेरी नाइस देर आर टू इंपॉर्टेंट प्लेस जो हम जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं जैसे मैंने कीचक वध बोला तो मैं दो मिनट के बाद एक्सप्लेन कर मैंने बोला तो बेस्ड ऑन इवेंट्स विच आर इन महाभारत अभी जैसे हम लोग बोलते हैं द्रौपदी वाज़ अ हेल्पलेस मदर इंडिया ओके उसको रिलेट किया था विद युधिष्ठिर बीइंग मॉडरेट्स भीम बीइंग एक्सट्रीमिस्ट एंड कीचक वाज़ अ वाइस रॉय लॉर्ड कर्जन तो इतना ब्यूटिफुली प्रेजेंट किया था मेटाफॉर इतना इनडायरेक्ट कंपेरिजन इतना ब्यूटिफुल था पीपल एनरेज इम्पीरियलिस्टिक एटीट्यूड ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट एट दैट टाइम इंपीरियलिस्टिक मतलब क्या जो डोमिनेट करते थे ना हमें जैसे इम्पीरियलिज्म का मतलब होता है डोमिनेशन ऑफ एन अनडेवलप नेशन बाय अ डेवलप नेशन सो अनडेवलप नेशन का डोमिनेशन कोई डेवलप नेशन कर रहा है जैसे इंडिया का डोमिनेशन ब्रिटिशर्स कर रहे थे तो ब्रिटिश गवर्नमेंट का इंपीरियलिज्म इसमें दिखता था एंड लोगों का गुस्सा इसमें दिखता था ट सम्राट स्टाइल्ड आफ्टर किंग टू वेल स्टेज जैसे नाना साहेब फाटक हैव प्लेड गणपतराव बालवेल बेलवालकर द ट्रैजिक प्रोटैगनिस्ट ऑफ नट सम्राट ट्रैजिक प्रोटैगनिस्ट प्रोटैगनिस्ट मतलब ग्रेट एक्टर्स ऑफ द बाइगॉन एरा आर गणपतराव जोशी नारायणराव राजहंस ऑल्सो कॉल्ड एज बाल गंधर्व केशाराव भोसले चिंतामंडराव कोल्हाटकर गणपतराव बोडस सर तो ये सब नाम याद रखने क्या नहीं आंसर जब भी पूछा जाएगा इसमें से कोई भी चार नाम याद रखो दैट इज मोर देन इनफ नेक्स्ट दीज आर इंपॉर्टेंट फिल इन द ब्लैंक्स एंड दीज आर इंपॉर्टेंट कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल्स जो एग्जाम में आ सकता है दिस फॉर रेफरेंस पर्पज आगे बढ़ते हैं मूविंग फॉरवर्ड द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैप्स अगेन ये भी पूछा जा सकता है दिच इज नॉन टेक्सचुअल नेक्स्ट कमिंग टू इंडियन फिल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड का बात करते हैं सर बॉलीवुड ये चालू किधर से हुआ तो ओरिजिनली आर्ट एंड टेक्नोलॉजी का मोशन पिक्चर स्टार्ट हुआ एंड सिनेमा जिसको हम लोग फिल्म इंडस्ट्री या फिल्म इंडस्ट्री जिसको बोलते हैं इनिशियली साइलेंट मूवीज थे विद द एडवेंट ऑफ साउंड रिकॉर्डिंग टेक्नोलॉजी मतलब एडवेंट मतलब इंट्रोडक्शन ऑफ साउंड रिकॉर्डिंग टेक्नोलॉजी आया साउंड मूवीज आना चालू हुआ There were various types of movies, जैसे ओ माई गॉड इन ऑफ द ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल सर्टाकल मूवी डॉक्यूमेंट्रीज बनाए गए हैं जैसे अभी वो रिसेंटली एक मूवी आया था स्माइल पिंकी या एलिफेंट विस्परर्स जो अभी ऑस्कर मिला था उसको डॉक्यूमेंट्रीज मूवीज नरेटिंग अ स्टोरी एक स्टोरी पर्टिक्यूलर बोलते हैं, जैसे दृश्यम या फिर चिल्ड्रंस मूवी जैसे चिल्लर पार्टी या फिर एडुकेशनल मूवीज दिए जाते हैं जैसे तारे जमीन पर या फिर कोई ऐसे एडवर्टाइजिंग मूवीज बनाए जाते हैं जैसे कुछ कुछ एडवर्टाइजमेंट है ना याद रह जाते हैं हमेशा कि कुछ कुछ ऐसे ट्यून्स रहते हैं या मूवीज रहते हैं या कुछ मूवीज बोल रहा हूँ कुछ ऐसे एडवर्टीजमेंट्स हैं जो याद रह जाते हैं उसके स्लोगन्स याद रह जाते हैं टिंग टिंग टिडिंग टी वैसा एंड मूवीज अबाउट आर्मी जैसे उरी अटैक्स हुआ या पुराना एक मूवी देखे तो बॉर्डर हुआ एक्सेट्रा सो महाराष्ट्र इज कंसिडर्ड टू बी द लैंड दैट नर्चर्ड मतलब वो एक्सेप्ट किया था इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को एंड महाराष्ट्र इज दैट स्टेट फर्स्ट फुल लेंथ मूवी मेकिंग एंड रियलाइ रिलीजिंग वॉज हैड इन महाराष्ट्र ओनली एंड इट वॉज द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रेट लीडर्स ऑफ द पायनियर्स ऑफ मूवीज जिसको लीडर्स बोलते हैं जैसे मदन राव माधवराव पितड़े द पटवर्धन फैमिली ऑफ कल्याण हरिशचंद्र सखाराम भाटवड़ेकर जिनको हम लोग सवे दादा के नाम से भी जानते हैं दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टू इंडियन मूवीज एंड ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस भी थे या लोग भी थे विच बिकेम वेरी फेमस जैसे गोपाल रामचंद्र तोरणे जिनको हम लोग दादा साहेब तोरणे बोलते हैं उनके साथ साथ ए पी करांडिलकर एस एन पाटनकर वी पी दीवेकर एंड फॉरन टेक्नीशियंस मूवी का नाम था पुंडलिक ये सबने मिलकर ये पुंडलिक बनाना चालू किया इन 1912 इन मुंबई ठीक है इट इज कंसिडर्ड के फर्स्ट मूवी ये था बट ओरिजिनली फर्स्ट मूवी ये नहीं बोला जाता बिकॉज इसको रिलीज ही नहीं किया रिलीज नहीं किया रिलीज किया दूसरे मूवी को डायरेक्टर वॉस दादा साहब फाड़के राजा हरिश्चंद्र वॉज द फर्स्ट मूवी जो प्रोसेस किया कंप्लीटली इन इंडिया एंड साइलेंट मूवी लाइक मोहिनी भस्मासुर सावित्री सत्यवान डॉक्यूमेंट्रीज जैसे रॉक कट केव ऑफ वेरूल्ड नासिक एंड त्रंबकेश्वर का पिलग्रिम सेंटर्स राजा हरिश्चंद्र वॉज रिलीज इन नाइनटीन थर्टीन दादा साहेब फालके वॉज अ डायरेक्टर एंड इसके लिए ये मूवी जब भी नाइनटीन थर्टीन में रिलीज हो गया उसके बाद पुंडली के रिलीज हुआ ओरिजिनली so हम लोग बोलते हैं राजा हरिश्चंद्र वॉज दैट मूवी जो पहला मूवी है बट बनना पहले चालू हुआ पुंडलिक क्लियर बाबूराव पेंटर ऑल्सो कॉल्ड एज मिस्त्री उन्होंने बनाया मूवी मूवी का नाम था सई रंदरी 1918 में बनाया ये एक हिस्टोरिकल मूवीज के लिए बहुत फेमस है बाबूराव पेंटर तो एक ऐसे बहुत सारे मूवीज बनाए जैसे फॉर एग्जाम्पल सिंहगढ़ कल्याण सा खजीना बाजी प्रभु देश पांडे एंड नेताजी पालकर रियलिस्टिक एंड सोशल इश्यूज के ऊपर बनाया जैसे सावकरी पाश बिकेम वेरी फेमस एंड ऐसा बोला जाता है कि इनके टाइम में देर वर अदर ग्रेट लीडर्स जिन्होंने ये बनाए थे जैसे बालाजी पें्ढारकर ने बनाया था बाजीराव मस्तानी अभी बाजीराव मस्तानी का ऐसा टाइम था कि जब भी ये मूवी जब भी जब भी रिलीज हुआ है ना तभी तभी बैन हुआ है वो टाइम पर भी ऐसा हुआ और ये टाइम पर भी ऐसा हुआ जब भी बाजीराव मस्तानी रिलीज हुआ इट वॉज इन कॉन्ट्रोवर्सी वो टाइम पे ब्रिटिशर्स ने बैन किया था कि भाई ब्रिटिशर्स ने सस्पेक्ट किया था कि इट वाज़ फॉर स्प्रेडिंग नेशनलिस्टिक सेंटीमेंट्स एंड इसके लिए बैन कर दिया इन 1925. नेक्स्ट कमला बाई मंगरूडकर द फर्स्ट विमेन प्रोड्यूसर हैज़ हैड अ मूवी कॉल्ड ए सावल्य तांडेल पन्ना दाई विच वॉज रिलीज इन हिंदी एंड प्रभात कंपनी ने बनाया मराठी मूवी राम इन नाइनटीन हिस्टोरिकल थीम्स के ऊपर बायोपिक्स बनाए गए हैं मूवीज ऑन पीपल जैसे महात्मा फूले के ऊपर एक मूवी बनाया लेड बाय और प्ले, रोल प्लेड बाय आचार्य अत्रे वासुदेव बलवंत फडके व प्लेड बाय विश्राम बेडेकर धन्य ते संताजी धनाजी बाय दिनकर पाटिल बाल शिवाजी मूवी व स्टार मेड बाय प्रभाकर पेंडारकर मूवीज लाइक संत तुकार इंटरनेशनल अकलेम मतलब वो टाइम पे इट वाज़ शोन इन 1937 इन पेरिस फिल्म फेस्टिवल संत इट वाज़ दैट फेमस एंड इट बिकेम वेरी फेमस इन इंडिया एंड इट वाज़ एन ऑनर फॉर इंडिया एट दैट टाइम विष्णु पंत पगनीस एज संत तुकार इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी आनंदराव पेंटर वॉज द फर्स्ट वन टू मेक एन इंडियन मेड सीने कैमेरा हिस्टोरिकल थीमूवी जैसे हिंदी में अगर देखे तो कितने सारे है जैसे देर वॉज मूवी कॉल्डर सिकंदर याद्रगुप्त मुगल आजम प्यार किया तो डरना क्या मुगल आजमूवीज बेस्ड ऑन इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस जैसे आंदोलन झांसी की रानी एंड डॉक्टर डॉक्टर कोटने से एंड डॉक्टर कोटनेस की अमर कहानी दैट इज ट्रू स्टोरी नेक्स्ट प्रोडक्शन स्टूडियोज जैसे इतने मूवीज बना रहे तो स्टूडियो किधर प्रोडक्शन जैसे हम लोग बोलते हैं ना आज के यशराज फिल्म्स का मूवी है धर्मा प्रोडक्शन का मूवी है वैसे वो टाइम पे भी प्रोडक्शन हाउसेस थे जैसे बॉम्बे टॉकीस नवकेतन आरके स्टूडियोज जो अभी रणबीर कपूर के दादाजी के पापा का मतलब परदादा का उनका आरके स्टूडियोज था राज कपूर एंड पृथ्वीराज कपूर का राजकमल स्टूडियो वॉज ऑल्सो मेड एंड फिल्म डिविजन बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेक्स डॉक्यूमेंट्रीज जैसे डॉक्यूमेंट्रीज मेड एम एट क्रिएटिंग पब्लिक अवेयरनेस एंड यूज टू बी शोन इन सिनेमा थिएटर्स बिफोर मेन मूवी दीज आर इंपॉर्टेंट फिलिंद ब्लैंक्स एंड दीज आर इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ मूवीज उस दिस इज एन नॉन टेक्सुअल क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में नेक्स्ट इज एंटरटेनमेंट एंड प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी नाउ ड्रामा जब भी देखे आर्ट डिरेक्टर्स और कंसल्टेंट्स दे अचीव एक्यूरेसी ऑफ डिफरेंट स्टेज बैकड्रॉप एज देव डीप नॉलेज ऑफ हिस्ट्री ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर दे आर एक्सपर्ट इन लैंग्वेज जैसे बहुत सारे जितने भी बैकड्रॉप बनाने वाले होते हैं ना जो बैकग्राउंड बनाने वाले होते हैं वो इतने ब्यूटिफुली बैकड्रॉप बनाते हैं या इतने ब्यूटिफुली ड्रामा का सेट बनाते हैं कि वो हमेशा वो एकदम रियलिस्टिक लगता है एंड एक्सपर्ट इन लैंग्वेज जो स्क्रिप्ट राइटर्स होते हैं वो लैंग्वेज में एक्सपर्ट होते हैं हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज तुम्हें पता चलता है कल्चरल हिस्ट्री पता चलता है एंड उनके असिस्टेंस लेके उनका हेल्प लेके स्क्रिप्ट एंड डायलॉग राइटिंग किया जाता है सिनेमा का बात करें तो देर आर आर्ट डिरेक्टर्स और कंसल्टेंट टू आर्ट डिरेक्टर्स और क्रिएटिंग बैकड्रॉप्स डिजाइन ऑफ एटमोस्फियर जैसे फॉर एग्जाम्पल बैकग्राउंड बनाया जाता है कॉस्ट्यूम्स एंड ज्वेलरी एटमोस्फियर का बेस्ट एग्जाम्पल बोले तो बाहुबली बाहुबली वन देखा था तो उसमें ऐसा लगता था अरे ये तो प्रभास कूद रहा है पहाड़ से पहाड़ नहीं रियल नहीं था वो वो पूरा वी एफ एक्स था एटमोस्फियर क्रिएट किया जाता है कॉस्ट्यूम्स एंड ज्वेलरी मेकअप hairstyle and design along with that there are suitable for movies movie dialogue writers as the history student knows the culture of language and language spoke in the concerned period this becomes very important dear students that's it from my side thank you so much we'll uh, meet later we'll meet in the next chapter till then all the best for your next exams take care